करनी चाहिए। इतने में कृष्ण कह रहे हैं, जिस समय गुरु जी ने हम दोनों का ये स्थिति देखा, देख करके इतने प्रसन्न हो गए, हम दोनों के सर पर हाथ रखे रख करके बोले, जितने वेद, जितने पुराण, जितने उपनिषद तुम्हारे हृदय में, सब कुछ स्फूर्ति हो जाए, हैं, सब कुछ स्फूर्ति हो जाए। कृष्ण कहते हैं, हे सुदामा, ना अहम इच्छा प्रजाति तपस उपशमने वा तुस्य अहम सर्वभूतात्मा गुरु सुसुर सहजता। मतलब गुरु जी की सेवा से मैं जितने संतुष्ट होता हूँ, तपस्या पार व्रत और किसी को द्वारा मैं इतने संतुष्ट नहीं होता हूँ। इसलिए गुरु जी दोनों सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। मतलब तभी तो अभी देखो कृष्ण सुदामा की कथा हम सुनते हैं, कृष्ण सुदामा की कथा सुनते हैं। लेकिन उनको पत्नी ने कहा था कुछ मांगना, लेकिन उन्होंने कोई चीज मांगी नहीं, कोई चीज मांगे नहीं। लेकिन जब उन्होंने वापस आए ना, भगवान को जो दिए भी नहीं, हाँ कुछ दिए भी नहीं, बोले अच्छा ही किया ठाकुर ने कुछ दिया नहीं। बोले क्यों? बोले ज्यादा धन दौलत संपत्ति होना फिर भगवान को भूल जाते। लेकिन जब उसने घर में आया, वहां पर देखा जो छोटी सी उनको झोपड़ी वो है नहीं, तुलसी के पौधा नहीं, वहां पर विशाल राज महल बनी हुई। उन्होंने पूछा, भैया यहाँ पर ये किसकी राजमहल है? किसने कहा ये सुदामा जी की? बोले हाँ, और कोई सुदामा होगा? और कोई सुदामा होगा है? इतने में उसको पत्नी ने छत के ऊपर से देखा, मेरे पतिदेव आए। अभी वो तो साधारण है नहीं, अभी तो राजकुमारी बनकर के बैठी, हजार दासियां जिनकी सेवा कर रही हैं, अभी उतर करके पति को आरती उतारने के लिए आई। उसने देखा वो पीछे पीछे हट रहे, बोली राजकुमारी मेरे तरफ में क्यों आ रही है? वो पीछे पीछे हटते जा रहे थे। इतने में सुशीला ने बोली, आप पीछे क्यों हट रहे हो, मेरे को पहचान नहीं पा रहे? बोले तू एक और, बोले आपका मैं वही सुशीला हूँ। हमने ध्यान से देखा, बोले तू ऐसे तो लग रहे हो। बोले ये क्या है? बोले ठाकुर जी के लिए दो मुठ्ठी चिड़ी वाले कर गए थे ना, ठाकुर जी दो मुठ्ठी खाए, जब तीसरी मुठ्ठी खाने जा रहे थे, रुक्मिणी हाथ पकड़ ली, बोली प्रभु और नहीं खाना, आपने दो मुठ्ठी खा लिया मतलब त्रिभुवन का ऐश्वर्य पहुंच लिया, अगर तीसरी मुठ्ठी खाओगे मैं जो लक्ष्मी हूँ दासी बन जाऊ। आपने दो मुठ्ठी चिड़वा दिया ना, इसका फल ये। यहाँ शिक्षा देते हैं, अभी मैं बता रहा था ना, ठाकुर जी को भोग लगा कर खाओगे ना, वो माला आएगा घर में, ठाकुर जी की वो माला आएगी घर में, लक्ष्मी की बड़ी आशीर्वाद होगी। इसलिए जो कुछ खाओ क्या करो, पहले ठाकुर जी को भोग लगा कर खाना खाया करो, ठीक है ना। कम से कम कथा से इतने इतनी सी बात लेकर के जाना। इतने में सुदामा जी अंदर में जाना ही नहीं चाह रहे। बोले नहीं, विषय से दूर कृष्ण जानी है निश्चय, अगर ये राजमहल में प्रवेश करूंगा, पहले जो भजन करता था, भक्ति करता था, भजन ही नहीं कर पाऊंगा, इसलिए हम अंदर में जाना नहीं चाहता हूँ। इतने में कृष्ण स्वयं वहां प्रकट हो गए। प्रकट होकर के बोले, प्रभु ये विषय में मेरे को मत फंसाया करो, फिर जो थोड़ी बहुत देर भजन कर रहा हूँ ना, ये भजन नहीं हो पाएगा। भगवान ने बोले, तेरे को आशीर्वाद देता हूँ, ये विषय में रहते हुए भी तुम मेरे भजन कर पाओगे। बोले प्रभु, तभी मैं प्रवेश करूंगा अगर आप मेरे साथ में रहोगे तो। तब भगवान बोले, ठीक है, मैं एक स्वरूप में तेरे साथ में रहा करूंगा। अभी भी जाकर देखो सुदामा जी घर में ना, भगवान एक स्वरूप में उनके साथ में रहे, तभी उन्होंने अंदर में प्रवेश किया, नहीं तो अंदर में प्रवेश करना नहीं चाह रहे थे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए इनका नाम है सुदामा। सुदामा मतलब क्या? जिसको पास में बहुत बढ़िया पैसा था। किस चीज की पैसा? बोले भक्ति की पैसा थी। तीन रात जो भगवान की नाम जप करते थे। अभी सुदामा जी को ले आओ, तो सुदामा जी को कृष्ण प्रभु भजन। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। आदित्य जता दो कन्हैया से कह दो कि घर पे सदा तेरी बात गया है, कि घर पे सदा तेरी बात गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से, तो
Oh,
Oh, my God.